गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज ज़्यादा नहीं, आज एक छोटा सा वीडियो लाए हैं जहाँ पे मोस्टली सारे स्टूडेंट्स लोग का एक ही कॉमन सवाल रहता है कि सर रिवीजन कितनी बार करें। कि मतलब कोई भी एक टॉपिक हम पढ़ लिए हैं तो उसको रिवाइज करना है, कैसे करना है। मैं उसके लिए एक और एक वीडियो ले आऊँगा, आपको बता दूंगा प्रॉपर तरीका जो आपको अभी नहीं बाद में भी काम आएगा, आपके फ्यूचर स्टडीज़ में भी। अभी फ़िलहाल एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि उसको एड्रेस करेंगे कि सर रिवीजन कितने बार करें, मोस्ट कॉमन डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, उसके बाद एक लाइन बताऊंगा और वीडियो बंद करेंगे। सिंपल, कितना बार रिवीजन करना है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ कितने बार रिवीजन करना है। इतनी बार इतनी बार इतना रिवीजन कौन करता है भाई, करता है इतना बार, इतना बार। जब तक आप इतना भर नहीं देते इतनी बार आपको रिवाइज करना है, जब तक इतना सारा पेन का लाश नहीं बिछा देते इतनी बार रिवाइज करना है। पेन का तो कोई कमी नहीं, घर वाले तो आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर किस चीज़ का चिंता। आप बस रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो हर चीज़ को, इतना बार प्रैक्टिस करो कि आपको मतलब आपके पास ऐसे पेन का अंबार लग जाए। और तब आप जब लास्ट में जाके एग्ज़ाम के बाद देखोगे ना कि क्या मैंने इतना मेहनत किया है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इतना ही पढ़ा है। और ये इतनी बार रिवाइज नहीं करने तक, तब तक आप करते रहो। कितना पेन है मैंने भी नहीं गिना, बट लग जाना चाहिए पूरा अंबार, इतनी बार बिक जाना चाहिए। मैं ये जनरली अपने स्टूडेंट्स लोग को दिखाता हूँ और यही बोलता हूँ कि आपको पढ़ने का एक मोटिवेशन या आपका प्रोग्रेस कैसा लगेगा। कुछ इन्हें कंटेनर ले आओ, मैं इतना बड़ा कंटेनर लाया था और अभी भी रखा हूँ। जब कभी भी आपको रिविजन करना है आप रिवाइज करो, और एक एक पेन ख़त्म हो जाए फेंकना नहीं, ये आपको मेहनत का निशानी है। एक एक रिफिल जब इसको ख़त्म किया हुआ है ना, कि यूज एंड थ्रू पेन लाना है ताकि इसका लाश को अपने को जमा करके रखना है, इसको भरते रहना। एक एक चीज़ कंप्लीट होगा, इसको डिब्बे में भरते रहना, और जब लास्ट में आप जाके देखोगे कि इतना पेन भर रहा है, या जब भी डिब्बा भर रहा है तो आपको प्रोग्रेस दिखेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। इसी के साथ आपको पता चल गया होगा कि कितना रिवाइज करना है, इतना ही करना है। रिवीजन में एक पागलपन होना चाहिए, पढ़ने में एक जुनून होना चाहिए। जब तक ऐसा जुनून नहीं है आप अभी तक बोर्ड्स के लिए रेडी नहीं हो, अभी भी नहीं क्यों, अभी भी टाइम है। मैंने एक वीडियो बनाया 2 महीने का, शेड्यूल कैसे बनाना है उसको फॉलो करो, रिटर्न प्रैक्टिस कर करके देख ये चीज़ अचीव करो। अगर शायद किसी ने अचीव किया होगा तो उसको कमेंट में बाद में बताना, बोर्ड्स के बाद कभी मिलेंगे या किसी का मैसेज पढ़ेंगे तो तब बताना कि सर मैंने ऐसा किया है। अगर आपके पास है गट्स, रिविजन का चैलेंज है, कंप्लीट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।